हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको हेयर केयर टिप्स बताऊंगी फॉर ब्यूटीफुल स्ट्रांग एंड हेल्दी हेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हमारे हेयर जो है वो ब्यूटीफुल स्ट्रांग और हेल्दी करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने के, और ये स्टेप्स जो है आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो करने हैं। ऐसे नहीं कि 2-3 मंथ्स तक आपको फॉलो करने हैं देन आपको छोड़ देना है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो है क्लीनिंग, सेकेंड है कंडीशनिंग एंड थर्ड है केयर। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपके हेयर जो है वो ब्यूटीफुल स्ट्रांग एंड हेल्दी रहेंगे। मैं फर्स्ट स्टेप बताऊंगी क्लीनिंग के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम जब हमारा स्कैल्प जो है वो क्लीन रहेगा तो हमारा हेयर फॉल रिड्यूस होगा। कि हेयर जो है आपको अल्टरनेट डेज वॉश करने पड़ेंगे माइल्ड शैम्पू से। अगर आप माइल्ड शैम्पू से या ऑर्गेनिक शैम्पू से या बेबी शैम्पू से अपने हेयर वॉश करते हो अल्टरनेट डेज, तो आपके हेयर जो है वो ड्राई या फ्रीजी नहीं होगे, बल्कि वो आपका स्कैल्प जो है वो क्लीन रहेगा। उससे जो है आपका हेयर फॉल रिड्यूस होगा और आपका स्कैल्प या हेयर जो है वो डर्ट फ्री रहेंगे, उसमें कोई डर्ट नहीं रहेगा। तो क्लीनिंग करना बहुत मस्ट है हेयर को और स्कैल्प को। तो आप अल्टरनेट डेज जो है माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर वॉश करो। तो जब हम अपने हेयर वॉश करते हैं तो आपको अपने फिंगर टिप से आपका स्कैल्प को मसाज भी करना है। उससे जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन से जो है हेयर जो है स्ट्रांग होते हैं। जब भी हेयर वॉश करते हो और आपके टैप वाटर में हार्ड वाटर आता है तो आप उस वाटर में हाफ लेमन ऐड कर दीजिए और फिर उसके बाद अपने हेयर वॉश कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके हेयर पे जो वाटर की हार्डनेस है वो लेमन जूस की वजह से थोड़ी कम हो जाएगी, तो उससे जो है हेयर फॉल कम होगा आपका। और जब हम और आपको एटलीस्ट दिन में 3 टाइम्स आपको आपके हेयर को कॉम भी करना है ताकि हमारे हेयर पे जो भी डर्ट है वो भी रिमूव हो जाए। एंड जो है वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में जो है आप जब भी शैम्पू करते हो, अगर आप अल्टरनेट डेज शैम्पू कर रहे हो तो अल्टरनेट डेज कंडीशनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीक में टू टाइम्स जो है अपने हेयर को अच्छे से कंडीशनिंग करो, या कंडीशनिंग वाले कोई पैक यूज़ करो अपने हेयर पे, हेयर मास्क या हेयर पैक जैसे बनाना और कर्ड यूज़ कर सकते हो हेयर पे अप्लाई करने के लिए। उससे जो है नेचुरल कंडीशनिंग होते हैं हमारे हेयर, और कंडीशनिंग की वजह से जो है हमारे हेयर जो है काफ़ी स्मूथ और सिल्की रहते हैं, प्लस एक्स्ट्रा शाइन भी आता है हमारे हेयर पे। तो ये सेकेंड टिप थी जो आपको हेयर स्ट्रांग ब्यूटीफुल हेयर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको अपने हेयर को कंडीशनिंग भी करना है। और थर्ड टिप जो है वो है केयरिंग। हम एक्सटर्नल केयर के हमारे हेयर के एक्सटर्नल केयर के लिए हम हीना अप्लाई करते हैं, शैम्पू करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं हेयर को, हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, और वैसे ही हमें इंटरनल केयर भी करना है हेयर का। तो इंटरनल केयर के लिए क्या करना है, आपको डार्क वेजीज खानी है जो डार्क कलर में है, जैसे ग्रीन वेजीज है, स्पिनैच है, फेनुग्रीक लीफ है, मेथी की सब्ज़ी है, ये इसका इंटेक आपको बढ़ाना है। वैसे ही कैरेट भी जो है आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, आप कैरेट भी अपने डाइट में ऐड कर दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स का भी इंटेक आप बढ़ा दीजिए अपने डाइट में, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है हेयर फॉल रिड्यूस होने में और हेयर ग्रोथ होने में। तो आप जैसे एक्सटर्नली हेयर की केयर करते हो वैसे ही इंटरनल केयर करना भी बहुत ज़रूरी है हेयर के लिए। और वैसे ही एक्सटर्नल केयर के लिए आप अपने हेयर को वीक में 3 टाइम्स जो है ऑयलिंग कीजिए। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल आप जो है अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हो जो आपको सूट करता है अच्छे से। तो आपको ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है। ऑयलिंग करने से जो है हमारा स्कैल्प जो है वो मॉइस्चराइज रहेगा, हमारे हेयर जो है वो नरिश रहेंगे और एक अच्छा सा ग्लेज भी आएगा हमारे हेयर पे। और हेयर ऑयलिंग करने से हेयर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, हेल्दी लुक आता है हेयर पे।
तो आपको ऑयलिंग करते टाइम मसाज करना भी बहुत जरूरी है। मसाज करने से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन से जो है वो हेयर ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे से होती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थी ब्यूटीफुल स्ट्रांग और हेल्दी हेयर के लिए। आपको सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्लीनिंग, कंडीशनिंग और केयर। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे, और ऐसा नहीं कि आपको 3 या 4 मंथ्स तक ये फॉलो करने हैं, आपको लाइफ टाइम, आपको लाइफ लॉन्ग ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई टूडेज वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल शिमरिंग श्रद्धा। टिल देन, बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।